मेरी मानो तो सेवई बनाने का ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप पहली बार सेवई बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाना, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं 250 ग्राम के सेवई। ठीक है, फिर उसके बाद लेंगे दूध, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, घी और इलायची। दूध को पहले आप उबाल लीजिए। दूध हमारा उबल चुका है। अब हम लेंगे दूसरा पैन और उसमें डालेंगे क्या, अपना ये घी। इसके कुछ सेकंड्स बाद ही अपने सेवई को डाल देंगे और क्या करेंगे, इसको चलाएंगे धीरे धीरे हाथों से। करीब 1-2 मिनट तक इसको चलाते रहना, तब इसका रंग थोड़ा सा बदलने लगेगा। दोस्तों, जिस तरह से लोग अपना रंग बदलते हैं ना, उस तरीके से तो ये अपना रंग नहीं बदलेगा, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा रेड कलर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। खैर, अब आप देख सकते हैं कि हमारी सेवई का कलर किस तरीके से बदल रहा है, और ये अब थोड़ा सा सुनहरा कलर का होने लगा है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नहीं दोस्तों? और दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए जितनी भी सामग्री मैंने ली है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो कर दिया है। आप उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से सामान को लीजिएगा, तभी अपनी सेवई बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 1-2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मेरी सेवई का रंग बदल चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुनहरा लग रहा है। इसके बाद हम डालेंगे दूध। दोस्तों, इसके बाद हम डालेंगे शुगर, और शुगर की क्वांटिटी मैंने देखी कितनी डाली है। एक छोटा बाउल, पूरा तो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको कितना मीठा खाना है, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अब यहाँ पर मैंने डाला है क्रश इलायची, इसको थोड़ा सा क्रश किया है। क्रश करने से खुशबू और जो महक होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद हम चलाएँगे दोस्तों। बस अब यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो चुका है, आपको इसको चलाते रहना है। करीब 2 मिनट, देखिए आपने इसको ब्राउन करने में लगाया था, और आपको ये चलाना है करीब 5-6 मिनट तक। ठीक है, अच्छे से पक जाए, गल जाए बस। वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, जल्दी गल जाता है, और 4-5 मिनट इज़ इनफ। मतलब आपको ये पूरी जो रेसिपी है बनाने में आपको करीब 6 या 7 मिनट लगेगा, समझ गए ना आप। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी सेवई बन चुकी है, आप देख सकते हैं उबल रहा है। उबलने का मतलब है कि अच्छे से पक चुका होगा। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, करीब 4-5 मिनट। अब हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे और देखेंगे कि हमारी सेवई कैसी बनी है। सेवई काफ़ी अच्छी बनी है। इसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में रखने के बाद जो टेस्ट आता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। पर्सनली मेरे घर वालों को तो फ्रिज में रखने के बाद ही सेवई को खाना पसंद है, और आप पे डिपेंड करता है वैसे। ठीक है, किसी किसी को गर्म गर्म भी खाना पसंद है। तो चलिए हम इस पर डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि आपको तो पता है कि कोई भी स्वीट्स जो होते हैं, इंडियन स्वीट्स, विदाउट ड्राई फ्रूट्स इनकम्प्लीट ही माने जाते हैं। तो डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, और इसके बाद देखेंगे कि कैसा ये लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और खाने में तो काफ़ी अच्छा हो गई। ठीक है, सो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा।